सो वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। तो आज मैं आया हुआ था रिवोल्ट का रिव्यू देने के लिए, क्योंकि रिवोल्ट एक ऐसी बाइक है जिसमें पेट्रोल खर्च नहीं होता। तो मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के जो रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि रिवोल्ट का एक रिव्यू बना लेता हूँ, क्योंकि एक हमारे जानने वाले हैं तो उन्होंने रिवोल्ट बाइक खरीदी है, तो मैं उनसे वीडियो बनाने के लिए रिवोल्ट लेकर आ गया। तो आज मैं रिवोल्ट पर ही दिखाने वाला हूँ सब कुछ। तो ये देखो पहला लुक रिवोल्ट का। तो दोस्तों ये है रिवोल्ट, जो अभी दिवाली से पहले ही मेरा एक फ्रेंड है उनके पास आई थी, तो उन्होंने 9 महीने पहले बुक की थी। तो मैं इसके अभी प्राइस वराइस हर एक चीज़ के बारे में बता दूंगा आप सबको। तो ये देख लो ध्यान से, तो काफ़ी सुंदर बाइक है। और इसकी लुकिंग की बात करी जाए तो लुकिंग तो इसकी नेक्स्ट लेवल है, जिसे कहते हैं एकदम। और इसका मीटर दिखाता हूँ, तो ये रहा इसका मीटर, ये देखो। तो ये भाई ये दोस्त है मेरे, इन्हीं की बाइक है, दिवाली पर आई थी अभी, तो अब इन्हीं से पूछते हैं थोड़ा। बताओ भाई। हेलो, आई एम मोहन खान। एक्चुअली मैंने ये रिवोल्ट बाइक लिया है, मेन इसका पर्पज़ हमारा लेने का ये है, मैं पेट्रोल की महंगाई होते की वजह से मैंने ये पेट्रोल इलेक्ट्रिक बाइक लिया है। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सबसे तो पहले ये बताओ मेरे को कि ये इसकी जो बैटरी है वो कितनी देर में चार्ज होती है। ये लगभग आपकी 3.5 से 4 घंटे में आपकी चार्ज हो जाती है बैटरी। तो 3.5 से 4 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। और उसके बाद कितने मतलब कितनी माइलेज कितनी देती है आपकी? अगर 40 से 45 स्पीड में आप चलाते हैं तो ये आपकी आराम से चल जाती है, 140 किलोमीटर चल जाती है आपकी। तो आपने सुना होगा अभी, अगर आप इसको 40 की स्पीड में चलाते हैं तो ये 140 किलोमीटर आराम से चल जाती है। और वो 40 की स्पीड टॉप स्पीड है इसकी, अगर आप फर्स्ट मोड में चलाते हो तो। मोड्स की अभी मैं दिखाता हूँ। और सेकंड मोड में चलाते तो कितनी चलती है? सेकंड मोड में आपकी चल जाती है 60 की स्पीड चल जाती है, और 80 किलोमीटर के अप्रोक्स आपकी माइलेज है। जी माइलेज। तो इसकी जो टॉप स्पीड हो जाती है वो 60 हो जाती है, और ये 80 किलोमीटर लगभग चल जाती है। और अगर हम इसको थर्ड मोड में डाल देते तो कितनी चलती है? थर्ड मोड में आपकी ये चल जाती है 60 किलोमीटर। तो थर्ड मोड में चल जाती है 60 किलोमीटर स्पीड आपकी चली जाती है इसकी 85 to 90। और स्पीड उसमें चली जाती है 85 से लेकर 90 तक, वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों इस बाइक के जो मोड्स हैं वो राइट हैंड पर हैं, ये देखो 1 2 3। इस टाइम ये फर्स्ट मोड पर है, ये देखो। और इसमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर 91 किलोमीटर चलेगी अभी 65% बैटरी पर। और यहीं मैं इसको अगर सेकंड मोड पर डाल दूँ तो अब ये देखो मीटर में 58 किलोमीटर चलेगी, और ये थर्ड मोड पर डालते ही 45 किलोमीटर चलेगी। और इसमें लगभग बैटरी है, ये देखो 65% बैटरी है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 90। तो ये देखो इस बाइक में डबल डिस्क ब्रेक है, पिछले में भी और अगले टायर में भी डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें चैन की जगह पर ये बेल्ट दी हुई है, ये देखो। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी किसी बाइक में देखने को नहीं मिलते, वो पहली ऐसी बाइक है जो इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर हैं। तो अभी हम भाई से पूछते हैं वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो इस बाइक में चार साउंड है, चार तरीके की साउंड है, तो वो मैं अभी आपको सुना देता हूँ कि कैसी लगती है। तो उसके जो साउंड है वो सबसे पहले ये देखो, ये मैंने रेस दी और ये बाइक स्टार्ट हो गई। अभी बंद कैसे होगी? अच्छा, इससे ही इससे इसको प्रेस करने से ये स्विच है। यहाँ पर आए हुए थे तो पता चला कि यहाँ पर नेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें जो सिस्टम है आवाज़ साउंड चेंज करने का वो इससे चेंज नहीं होती है, तो हमें वो फ़ोन से चेंज करनी पड़ती है। ये देखो, दिखाना भाई फ़ोन, ये इसका जो सिस्टम है पूरा फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है। फिलहाल अभी नेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी एक साउंड तो मैंने आपको इसकी सुनाई दी है, दूसरी साउंड है इसकी ड्यूक जैसी, और बाकी दो साउंड हो रहे हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छी साउंड है, थोड़ी लाउड नहीं है बस, ये प्रॉब्लम है थोड़ी। तो इस बाइक में एक और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें मोबाइल चार्ज करने का ये अलग से ही लगा हुआ है, ये देखो। इसके साथ दो रिमोट आते हैं कंपनी से, वो ये रहे। और इससे स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होती है इस बटन से, ये देखो साउंड आ गई होगी, और यहाँ से बंद भी हो जाती है। तो अगर
आपको यहाँ से बंद करनी हो, बंद यहाँ से भी हो जाएगी और यहाँ से भी बंद हो जाती है। ये ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑफ स्विच है सिर्फ, ये इस यहाँ से सिर्फ बंद हो सकती है, बाकी ऑन करनी हो तो आपको इसी से ऑन करनी पड़ेगी, है ना। और जो इसकी साउंड है वो सारी फ़ोन से चेंज होती है। हाँ, तो दोस्तों इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें जो है ये रिमोट दिया हुआ है और ये वाला इसमें पार्किंग का सिस्टम है, ये वाला ये देख लो, ये पार्किंग का सिस्टम है। अगर इसको लगा के खड़ी कर दोगे बाइक, और लॉक लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, लॉक लगाओ, लॉक लगाओ या मत लगाओ, पर इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। ये मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अभी ये बाइक अनलॉक है और भाई इसको एक नया सिस्टम दिखाने जा रहे हैं। इसमें आप जैसे ही कुछ दूरी पे आप इस बाइक को चलाते हैं, जैसे कोई चोर चुराना चाहता है इस बाइक को, वो इस बाइक को चुरा नहीं पाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब ये गाड़ी पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है और ये चल नहीं रही है, ये ऑटोमेटिक डांसिंग करती रहेगी जब तक ये रिमोट से, इस रिमोट से अनलॉक नहीं होगी तब तक ये बाइक डांस करती रहेगी और इसको कोई भी चुरा नहीं पाएगा, ये पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। तो अब हम इस बाइक को चला के दिखाएंगे कि ये इसकी स्पीड कैसी है, मतलब सारे मोड में चला के दिखाऊंगा, पहले मोड में पहले चलाऊंगा, फिर सेकंड मोड में, फिर थर्ड मोड में इसको मैं चला के दिखाता हूँ आप सबको। तो मैंने डाल दिया फर्स्ट मोड पर, ये देखो, इसमें एक चीज़ हो रहा है, यहाँ से साउंड ऑन हो जाएगी, ये देखो। और बाकी अगर आपको साउंड चेंज करनी हो, चार साउंड है इसमें, वो फ़ोन से ही होगी, तो फिलहाल नेटवर्क नहीं है इस एरिया में, तो अभी फर्स्ट मोड पर देखते हैं कहाँ तक खींचती है। तो ये फर्स्ट मोड पर इसकी टॉप स्पीड है 43। तो फर्स्ट मोड डन हो गया, मैं इसको सेकंड मोड पर डालने वाला हूँ। ये आ गए सेकंड मोड पर और ये किलोमीटर भी इसके घट गए, अब ये 55 किलोमीटर चलेगी। थोड़े कर ली मोड़ है तो बाकी आपको पता चल गया होगा, 60 प्लस ये 65 तक आराम से जा रही है। तो दोस्तों अब मैं इसको डालने वाला हूँ थर्ड मोड पर, ये रहा, अब ये देखो किलोमीटर और कम हो गए। तो पिकअप काफ़ी अच्छा है इसका, तो आप सभी ने पिकअप देख लिया होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर, तो मुझे लगता नहीं कि 90 हो पाएगी, ये एक कोशिश और करते हैं। तो यहीं ला के रहूँगा। तो आपने देखा होगा पिकअप बहुत अच्छा है इसका, पर यहाँ पर दिक्कत यही है इस रोड पर, ये कर्ली रोड बहुत है, तो यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं 90 हो पाएगी। तो दोस्तों बस मैं अब यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी को पेट्रोल से बचना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि वो ये वाली बाइक ले ले। ये जिस टाइम इन्होंने बाइक बुक करी थी 9 महीने पहले, तो ये दिवाली पर आई है, ये इस टाइम 125 की थी, 1,25,000 की बुक हुई थी, और इस टाइम जो इसके प्राइस हैं वो हो चुके हैं 1,38,000 रुपये। तो अभी आपको देखना है कि पेट्रोल महंगा भरवाना है या फिर एक बार में पैसा ज़्यादा खर्च करना है। तो फिलहाल वैसे तो काफ़ी अच्छी बाइक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा।